आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक प्रीमियम सेगमेंट के ब्लूटूथ स्पीकर पर और आप कंफ्यूज्ड हैं कि मार्शल एम्बर्टन ब्लूटूथ स्पीकर को ऑप्शन में रखें जो कि काफी टाइम पहले लॉन्च हो चुका है जिसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 15,000 रुपीस या फिर जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है मार्शल एम्बर्टन 2 ब्लूटूथ स्पीकर इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 17,500 रुपीस के आसपास दोनों में 2,500 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। क्या ये प्राइस डिफरेंस वर्दी है जो डिफरेंसेस दिए गए हैं और वैसे हमें एक्जैक्टली एक एक डिटेलिंग चेक करने वाले हैं इस वीडियो में, माइनट माइनट डिटेलिंग चेक करेंगे दोनों में आपको एक्जैक्टली क्या डिफरेंस मिलने वाले हैं, बिल्ड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, आउटपुट में कैसा डिफरेंस है, हम साउंड टेस्ट करेंगे ताकि एंड तक बहुत से सारी डिटेलिंग चेक करने के बाद आप डिसाइड कर पाए कि इन दोनों में से किसको परचेज करना चाहिए। और मैं आपको एक रिकमेंडेशन भी दूंगा, अगर आप मार्शल, सोनो, सोनी, अमेजफिट ऐसे प्रीमियम सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं अगर आप उनको परचेज करना चाहते हैं तो True.in एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बिल्कुल ऑथराइज डीलर्स है प्रीमियम सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनके, बिल्कुल आपको आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया मिलने वाली है, जेन्युइन आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और आप कंपेयर भी कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से, कंपैरेटिवली आपको इस वेबसाइट में कम प्राइस पॉइंट मिलेगा इस वेबसाइट में जो कि आपको दूसरी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। और लगे हाथ अगर आप चेकआउट के टाइम पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे हमारे चैनल का नाम मिस्टर लिजी टैग आपको इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक्जेक्टली आप देख लीजिए दोनों का कंपैरिजन ताकि एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर पाए कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे हम करते हैं सबसे पहले चेकआउट दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। Here you can see comparing the Marshall Emberton with the Marshall Emberton 2. Emberton में आपको Bluetooth version 5.0 मिलेगा, Emberton 2 में आपको Bluetooth version 5.1 मिलेगा। दोनों में ही आपको 20 watts का आउटपुट मिलने वाला है, साथ में दोनों में ही आपको SBC codec का सपोर्ट मिलेगा और दोनों में ही आपको IPX7 water and dust resistant फीचर भी मिलने वाला है और दोनों में ही आपको built-in माइक्रोफोन नहीं मिलेगा, ना ही ऑक्स का इनपुट मिलने वाला है और साथ में दोनों में ही आपको dual device pairing का सपोर्ट भी मिल जाएगा और दोनों में ही आपको प्रॉपर नॉब फंक्शनलिटी मिलने वाली है और साथ में जो Emberton 2 है उसमें आपको स्टैक मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टीपल स्पीकर्स कनेक्ट करके प्ले कर सकते हैं पार्टी मोड में और इसमें आपको मार्शल ब्लूटूथ एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाएगा जो कि दोनों पार्ट मिसिंग है Emberton 1 में। और अगर हम बैटरी की बात करेंगे Emberton में आपको 20 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज एंड Emberton 2 में आपको 30 आवर्स तक का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज और साथ ही दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। Emberton 1 का प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 15,000 रुपीस और Emberton 2 का प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 17,500 रुपीस। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंस एक्जैक्टली दिया गया है Emberton 2 में वो आपको मिलने वाली है बेटर बैटरी लाइफ और साथ में जो स्टैक मोड का ऑप्शन दिया गया है मल्टीपल स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं पार्टी मोड में प्ले कर सकते हैं, मार्शल ब्लूटूथ एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा जिसमें आपको अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले आप कनेक्ट करके, इसमें आपको मार्शल सिग्नेचर साउंड मिल जाएगा, पुश का ऑप्शन मिल जाएगा, वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पे इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं। आपको वोकल से क्लैरिटी ज्यादा चाहिए कि आपको बेस ज्यादा चाहिए अपने हिसाब से पुश मोड में जाएंगे तो बेस आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, वॉइस मोड में आपको जो वोकल से क्लैरिटी उसमें आपको एनहांसमेंट मिलने वाला है, स्टैक मोड में भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप डिफरेंस आपको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। सो यहाँ पे आपको जो बेटर बैटरी लाइफ मिलने वाली है, स्टैक मोड का ऑप्शन मिलने वाला है, एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, साफ साफ आपको बेटरमेंट प्रोवाइड कर रहा है Emberton 2 एज कंपेयर टू Emberton 1, जो प्राइस डिफरेंस है बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है मेरे हिसाब से। और अगर हम बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की तो यहां पे आप देख सकते हैं जो दोनों की बिल्ड आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है लेकिन माइन्यूट सा हल्का सा बहुत आप ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आपको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट हल्का सा जो साइज आपको थोड़ा बहुत छोटा लग सकता है Emberton 2 का एज कंपेयर टू Emberton 1, लेकिन ज्यादा साइज का डिफरेंस यहां पे नहीं दिया गया है। फ्रंट में आपको प्रॉपर ग्रिल्स मिल जाएंगी मेटलिक जो कि काफी परफेक्ट लुक एंड फील प्रोवाइड करती है दोनों ही स्पीकर में एंड जो मार्शल की ब्रांडिंग है बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से फ्रंट में दोनों में ही लिखी हुई मिल जाएगी एंड बैक साइड में आपको मिलने वाली यहां पे प्रॉपर मेटलिक ग्रिल्स। एंड अगर हम साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों में ही टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, इससे अपने ब्लूटूथ स्पीकर को आप चार्ज कर पाएंगे। एंड ऊपर साइड आप देखेंगे जो टेक्सचर यूज किया गया है थोड़ा बहुत आपको बेटरमेंट दी गई टेक्सचर पार्ट को लेकर Emberton 2 में एज कम्पेयर टू Emberton 1। एंड अगर हम ऊपर साइड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉपर बैटरी परसेंटेज का जो इंडिकेटर दिया गया है दोनों में ही आपको मिल जाएगा, प्रॉपर आपको फंक्शनलिटी साथ नॉब मिलने वाला है, इसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड साथ ही में आपको मिल जाएगा एक रीसेट करने के लिए बटन, इसको आप लॉन्ग प्रेस करके पेयरिंग मोड में ला सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को। एंड नॉब फंक्शनलिटी की बात करेंगे नॉब दोनों का ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर सकते
सकता है, बिल्कुल सिंगल प्रेस करके प्ले कर सकते हैं। स्वाइप करेंगे राइट को तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, लेफ्ट पे स्वाइप करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। स्वाइप अप करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, स्वाइप डाउन करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। सही तरीके से नॉब वर्क करता है, दोनों का ही इक्वल तरीके से वर्क करता है, इसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। दोनों ही बिल्कुल ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं सेम डिजाइन दिया गया, बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं दिया गया डिजाइन पार्ट को लेकर। एंड अगर हम बात करेंगे दोनों के आउटपुट को लेकर, दोनों में ही आपको 20 वॉट्स का आउटपुट मिलने वाला है, एसबीसी कोडेक मिलने वाला है, एसी कोडेक नहीं मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ना ही माइक्रोफोन मिलने वाला है, ना ही ऑक्स कनेक्टिविटी मिलने वाली है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आप लीजिए दोनों का ही साउंड टेस्ट ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा इससे आपका आउटपुट कैसे मिलने वाला है दोनों स्पीकर्स के थ्रू। यहाँ पे साउंड टेस्ट देखिए आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कैसे आपको दोनों के थ्रू आउटपुट मिलने वाला है। यार आउटपुट में बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं दिया गया मेरे हिसाब से, आपको लाउडनेस दोनों में ही बढ़िया मिलने वाली है। अगर आप बिल्कुल आउटिंग करते हैं, ट्रिप करते हैं, आपको घर पे भी अपने एक हॉल में प्लेस करना है, लाउडनेस आपको बढ़िया चाहिए, वोकल क्लैरिटी आपको बढ़िया चाहिए, तो डेफिनेटली आप दोनों में से किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। लेकिन हल्की फुल्की मेरे को पता नहीं क्यों हल्की फुल्की बेटरमेंट लगी, हल्की सी मुझे लगा कि और ज्यादा लाउड बज रहा था एम्बटन 2 एज कम्पेयर टू एम्बटन 1। और जो एप्लीकेशन का सपोर्ट दिया गया, जो पुश मोड दिया गया है, वॉइस मोड दिया गया, इसमें एक प्लस पॉइंट यह है एम्बटन 2 में, अगर आपको वोकल सिक्योरिटी पे फोकस डाला था वॉइस मोड पे जाके, जो वोकल सिक्योरिटी उस पर फोकस डालेगा बेस काफी तक कम कर देगा। और हालांकि दोनों में जो बेस पार्ट है, बेस आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड नहीं मिलने वाला है, प्रॉपर आपको सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स मिलेंगे, आपको बैलेंस आउटपुट आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको जो बेस बोलते हैं ना कि सराउंडिंग आपको बेस मिलने वाला है, दोनों में आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट बेस मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाला है, बैलेंस आपको बेस मिल जाएगा दोनों ही स्पीकर के थ्रू। लेकिन हाँ, ये जो बेटरमेंट एप्लीकेशन पार्ट को लेकर जो इक्वलाइजर मोड दिए गए, हल्की फुल्की आपको लाउडनेस बेटरमेंट चाहिए तो आप डेफिनेटली एम्बेडेड 2 की तरफ जा सकते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ, दोनों में ही आपको जो डिटेलिंग है वोकल्स पार्ट को लेकर, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेकर, लाउडनेस को लेकर, ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया मेनली। अगर आप ऑडियो फाइल, अगर आपको वोकल की क्लैरिटी से, अगर आपको डिटेलिंग चाहिए म्यूजिक पार्ट को लेकर, दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इस टाइम पे, अगर आप थोड़ा बहुत और इन्वेस्ट करेंगे, 2500 रुपये का प्राइस पॉइंट का डिफरेंस दिया गया है, साफ साफ आपको बेटरमेंट मिलने वाली है बैटरी पार्ट को लेकर, इक्वलाइजर ऑप्शन दिए गए, इक्वलाइजर मोड आप स्विच कर सकते हैं, स्टैक मोड में आप प्ले कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप true.in ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करेंगे तो आपको एम्बटन 2 लगे हमारा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद अप्रॉक्सिमेटली 16,000 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल प्राइस डिफरेंस जो है जस्टिफाई करता है इस टाइम पे। अगर आप दोनों में से किसी को भी ऑप्शन में रखना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आप एम्बटन 2 की तरफ जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। मैंने आपको सब इसके डिफरेंसेस बता दिए, साउंड टेस्ट बता दिया, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इनको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प आउट विद दैट। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन द मार्शल एम्बटन विद द मार्शल एम्बटन 2 ब्लूटूथ स्पीकर।
Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.